हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इन सभी स्टॉक के बारे में, गोदरेज इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट एंड एंडरसन बैंक। तो दोस्तों, इन सभी स्टॉक में प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, और भी बहुत सारे स्टॉक है, उन सभी स्टॉक की लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इन सभी स्टॉक में अगर आपने आपकी होल्डिंग है दोस्तों, आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन सभी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। कौन से स्टॉक है वो सभी की लिस्ट अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी प्रमोटर अपने ही कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, ओपन मार्केट प्राइस से बाई करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों उनको पता होता है कि हमारी कंपनी के जो शेयर है, जो स्टॉक प्राइस है, वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है दोस्तों। उन लोगों को उसकी कंपनी के ऊपर भरोसा होता है, उनको पता होता है कि हमें आने वाले दिनों में ये स्टॉक में प्राइस बढ़ेगी दोस्तों, इसलिए वो लोग प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जब भी कोई प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है दोस्तों, तो उसको उसके कंपनी के ऊपर भरोसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी आप लोगों के साथ ये लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों। इन सभी स्टॉक में प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, किसमें कितनी हिस्सेदारी बढ़ी है वो सब आप देख सकते हैं, किसने कितने शेयर बाई किए और कितना करोड़ का वॉल्यूम के साथ आप सब देख सकते हैं दोस्तों। गोदरेज इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हो 145 करोड़, अदानी पोर्ट में 112 करोड़। तो इन सभी प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है दोस्तों। ये मैंने एक न्यूज़ थी उसमें से स्क्रीनशॉट लिया था दोस्तों। तो दोस्तों, इनमें आप अगर आपकी होल्डिंग है तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के साथ गोदरेज इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट्स एंड इंडसइंड बैंक के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। दोस्तों, आप देख सकते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज का अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हैं पिछले वन मंथ में 42% का रिटर्न है। और दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों के साथ चार्ट के ऊपर लेके भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको कौन से लेवल पे बाइंग करना है। चार्ट ओपन कर लिया है मैंने, ये चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया है दोस्तों। और दोस्तों, हम देख सकते हैं इसमें हमें बहुत ही बढ़िया एक रैली देखने को मिली है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी रेड कैंडल नहीं है, सब ग्रीन कैंडल है दोस्तों। और दोस्तों, जब भी कोई इस तरह से कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो इसमें एंट्री लेने से बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक में रैली आती है दोस्तों, या कोई भी स्टॉक जब आगे बढ़ता है दोस्तों, अप जाता है, तो ये जिगजैग होके जाता है दोस्तों, ऐसे सीधा ऊपर नहीं जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे बाइंग करना है तो हम आप देख सकते हैं 300 के लेवल पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, तो आप इस लेवल पे इसमें बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। और आप यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो लो है इसके नीचे आप टॉप लॉस लगा सकते हैं दोस्तों। अपने मैं तो कहता हूँ आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और आप देख सकते हैं ऊपर से एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है दोस्तों, इसी ट्रेड लाइन को टच करके रिट्रेस हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर एज अ सपोर्ट स्टॉक यहाँ पर इस लाइन को एज अ सपोर्ट टेस्ट कर रहा था दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, और फिर यहाँ से हमको करेक्शन होता हुआ देखने को मिल सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में दोस्तों। और दोस्तों, हम अदानी पोर्ट का भी यहाँ पे रिटर्न देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन मंथ में तकरीबन 12% का रिटर्न दिया हो, और थ्री मंथ का आप देखें तो 32% तक का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, अच्छा खासा रिटर्न आया है। और हम अभी आपको चार्ट के ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमें यह स्टॉक बाय करना। तो दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे अडानी पोर्ट्स का चार्ट ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट्स आप एक देख सकते हैं चैनल बना रहा है दोस्तों, इसी चैनल के अंदर मोमेंटम कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसी चैनल के अंदर ये मोमेंटम करता हुआ ऊपर की तरह जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी कोई चार्ट ऊपर की तरह जाता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें ज़्यादातर गिरावट नहीं देखने को मिलती है दोस्तों, ये कंटिन्यू ऐसे ऊपर जाते हैं दोस्तों। मैंने बहुत से स्टॉक देखे जो जब भी कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर जाता है दोस्तों, तो इसमें हमें बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। हम इस नीचे जब भी ये स्टॉक इस नीचे वाली लाइन को टच करता है तो उस टाइम पे हम इसमें बाइंग कर सकते हैं दोस्तों, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये टच होके इधर ही अभी सस्टेन कर रहा है दोस्तों, इसी लेवल पर अभी ये हमको ये स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों अगर इसमें गिरावट आती है तो दोस्तों हम इसको 300 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में स्टॉक दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक में भी आप देख सकते हो लास्ट वन मंथ में 23% का रिटर्न दिया हुआ है और लास्ट वन वीक में 17% का रिटर्न दिया हुआ है दोस्तों। और इंडसइंड बैंक में भी आप देख सकते थे कुछ पिछले दिन में ये न्यूज़ चल रही थी कि इंडसइंड बैंक के जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों इसका वीडियो भी मैंने पहले अपलोड किया हुआ था, वो पूरा न्यूज़ भी मैंने एनालिसिस किया था क्या न्यूज़ है और क्यों इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है इंडसइंड बैंक में, उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैंने पूरा एनालिसिस उस पर किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हम इंडसइंड बैंक का चार्ट भी अभी हम देख के एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से लेवल पे ये स्टॉक हमको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मैंने अभी कौन से इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है। मैंने ये चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया है दोस्तों। और दोस्तों इंडसइंड बैंक के बारे में भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ये सभी लेवल दिखाए थे दोस्तों और ये सब डिटेल में भी बात हुई थी दोस्तों। और फिर एक बार मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक ने ये देख सकते ये चैनल बना रहा था दोस्तों और इसी चैनल के अंदर मूव कर रहा था दोस्तों और फिर यहाँ से ये चैनल ब्रेक किया और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू अप की तरफ जा सकता है। और आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों इसी रेजिस्टेंस के ऊपर की तरह सस्टेन कर रहा है दोस्तों। इंडसइंड बैंक इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें आने वाले दिनों में इस लेवल तक भी देखने को मिल सकता है, 400 के लेवल के आसपास हमको देखने को मिल सकता है, उस टाइम पे भी आप बाई कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में से ये स्टॉक को ऐड कर सकते हो और इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके माल उठा सकते हो दोस्तों। आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा 10% 20% ऐसे माल उठा सकते हो दोस्तों। जब भी ये डाउन आएगा तो इसमें आपका थोड़ा बहुत एवरेज भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आए और उसके बाद इसमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो इसमें जब करेक्शन आएगा उस टाइम पर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।